बात की बात होती थी, डॉक्टर लोहिया की चर्चा होती थी, जयप्रकाश जी की चर्चा होती थी, संघर्षशील नेताओं की चर्चा होती थी। आज समाजवादी पार्टी में मुझे लगता है कि डॉक्टर लोहिया पे मैं लेखनी कभी कभी केवल शिवपाल जी की देखता हूं, कभी कभी उनका आलेख, उनका आर्टिकल देखने को मिलता है। आपको सही मायने में लोहिया जी को पढ़ना चाहिए। लोहिया जी को पढ़ना चाहिए। लोहिया जी ने बहुत सारी चीजें कही थी, लेकिन जब आप आज समाजवाद की बात करते हैं और समाजवाद की जो स्थिति देखते हैं, लोगों को लगता है ये अस्वाभाविक है, अप्राकृतिक और अमानवीय हो गया है, लोग इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं है। और सही कहूं, पूरा प्रदेश राम राज्य का पक्षधर बन चुका है। राम राज्य ये कोई धार्मिक व्यवस्था नहीं है, राम राज्य ये सर्वकालिक, सार्वदेशिक और सार्वभौमिक, काल परिस्थिति से प्रभावित एक शाश्वत व्यवस्था है जो हर परिस्थिति में कार्य करने की क्षमता रखती है। कोरोना आए या जाए, हम प्रदेश की जनता का बाल बांका नहीं होने देंगे, वो क्षमता। और मुझे लगता है उस परिस्थिति के लिए हमें तैयार होना होगा। आप इसको कहते हैं कि इसके लिए हम पे लेवल लगता है, हम राष्ट्रवाद हैं, राष्ट्रवादी हैं, और ठीक है, हमें गर्व की अनुभूति होती है जब हम पे राष्ट्रवादी होने का आरोप लगाया जाता है। हर व्यक्ति को होना चाहिए, और मेरा ये मानना है हर व्यक्ति को राष्ट्र भावना से उत्प्रोत होना चाहिए। राष्ट्र भावना से विहीन व्यक्ति की स्थिति तो चूहे जैसी हो जाती है। चूहे की स्थिति आप देखते हैं ना, जिस घर में रहेगा उस घर का अन्न भी खाएगा और उस घर में होल करके उसकी नींव को भी धंसाने का काम करता है। तो चूहा बनने की बजाय राष्ट्रवादी बनना श्रेयस्कर है, और मुझे लगता है इस बात को हमें ध्यान में रखना होगा। उन चीजों को लेकर अगर हम आगे बढ़ सकें तो बहुत अच्छा होगा, और मैं चाहूंगा कि हमें इस दिशा में बहुत एक लंबी यात्रा प्रदेश के अंदर आगे बढ़ानी है। 25 करोड़ लोगों की आकांक्षाएं हैं, आपसे भी, इस पक्ष से भी, सबसे, हर जनप्रतिनिधि से। देखिए, हर जिले में, हर विधानसभा सीट पे भारतीय जनता पार्टी अपना दल है, निषाद पार्टी नहीं, अलग अलग पार्टी से जुड़े हुए जनप्रतिनिधि चुने गए हैं। कहीं समाजवादी पार्टी है, कहीं पर जो है सुहेलदेव राजभर पार्टी है, कहीं पर राष्ट्रीय लोक दल है, कहीं पर कांग्रेस है, कहीं बहुजन समाज पार्टी है, कहीं पे जनसत्ता पार्टी है, कहीं पे कोई अन्य जीते हैं। अलग अलग दल अलग अलग विधानसभा सीट में जीते हैं, हर एक की अपनी अपेक्षाएं हैं, विकास की अपनी आकांक्षाएं हैं, और उस विकास की इस यात्रा को मिलकर के आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। राज्यपाल जी का अभिभाषण उसी बात का प्रतिनिधित्व कर रहा है। उन्होंने किसी एक विधानसभा और एक दल की बात नहीं की, पूरे प्रदेश की बात की। उस प्रदेश के विकास की यात्रा को साथ साथ मिलकर के चलने की आवश्यकता है। सत्ता पक्ष विपक्ष जब विकास के साथ एक स्वर से बोलेगा, हमारे राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं, हम उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे, लेकिन विकास की इस यात्रा में, क्योंकि एक लंबी यात्रा है और इस यात्रा में रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मिलकर के आगे बढ़ना होगा, तब उत्तर प्रदेश आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप उन लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होगा। ये यात्रा साथ साथ आपकी भी चल रही, हमारी भी चल रही है, लेकिन अंतर यही है, हम साथ साथ भी हैं और पास पास भी हैं। लेकिन आप साथ साथ तो हैं, लेकिन पास पास तो हैं, लेकिन साथ साथ नहीं हैं, यही अंतर है। हम में और आप में यही अंतर है, हम पास पास भी हैं और साथ साथ भी हैं। इसमें से बहुत सारे सदस्यों की आप जाति नहीं बता सकते, लेकिन आप पास पास होते हुए भी साथ साथ नहीं हैं, और यही आपकी सबसे बड़ी विफलता है। राज्यपाल जी के भाषण का अगर आप सम्मान के होते
मुझे लगता है बहुत अच्छा होता, अच्छा होता। आपने यद्यपि अपने भाषण में कहा इस बार का उल्लेख किया कि राज्यपाल जी का हमने विरोध नहीं किया, राज्यपाल जी का आपने विरोध नहीं किया, लेकिन आपके मान्य सदस्य नारे बाजी जो कर रहे थे, राज्यपाल गो बैक, राज्यपाल गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे, आपके समर्थन में नारे लगाए जा रहे थे, ये कोई मंच नहीं था। देखिए, हमें चौका और चौराहे की बात को याद करना होगा। इस सदन में क्या बात लगनी, क्या बात होनी चाहिए और चौराहे पे क्या बात होनी चाहिए, दोनों में अंतर होना चाहिए। ये मंच व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप का मंच नहीं हो सकता है। यह बात ज्ञापित करता हूं खासतौर पर नेता प्रतिपक्ष का, नेता प्रतिपक्ष के साथ ही हमारे जो अन्य दलीय नेता हैं, राष्ट्रीय लोकदल, सुहेलदेव राजभर पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जनसत्ता पार्टी और हमारे सहयोगी दल। अध्यक्ष महोदय, नेता स्पष्टीकरण पूछ लीजिए, कोई भाषण नहीं। सदन ने बहुत लंबा भाषण दिया और बहुत सारी बातें उसमें आ गई हैं, लेकिन जो संशोधन जो मैंने अपने भाषण में कहा उन बातों को अभी भी छुआ नहीं गया है। और इसके दौरान नेता सदन ने हमारे चाचा की बहुत चिंता की। अभी तक तो मेरे चाचा थे, लेकिन अब तो नेता सदन भी उन्हें चाचा बोल रहे हैं। और जो जो आंकड़े स्पष्टीकरण नेता प्रतिपक्ष को एक अलग स्पष्टीकरण पूछे, जो आंकड़े अध्यक्ष जी दिए गए हैं कोविड चाचा के बारे में स्पष्टीकरण मत पूछे कि किसके हैं। मैं उसी में पूछ रहा हूं, मैं अध्यक्ष महोदय, अभी कोरोना को लेकर के अध्यक्ष जी आंकड़े दिए गए मुझे, लेकिन नेता सदन ने एक आंकड़ा नहीं दिया कि जिस समय कोरोना सबको हो रहा था, नेता सदन को भी हुआ, कोरोना मुझे भी हुआ, मैंने टीका नहीं लगवाया लेकिन उन्होंने वैक्सीन लगवाया, उसके बाद भी हो गया। कुछ स्पष्टीकरण ले लीजिए, ये डिबेट नहीं है, कोई स्पष्टीकरण ले लीजिए प्लीज। और फिर सवाल ये है जी, मैंने बीजेपी का वैक्सीन क्यों कहा? दुनिया इस वैश्विक महामारी की चपेट में आ गई, हर जगह वैक्सीन लगी। अमेरिका के राष्ट्रपति जी का देख लीजिए, उन्होंने सर्टिफिकेट में तस्वीर नहीं लगाई, यूरोप में किसी भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर की तस्वीर नहीं लगी, हमारे पड़ोसी देश वो तो लगी ना, यहां से चीन में नहीं लगी। नहीं नहीं, आप बात वहीं पर है, अधिकार है भाषण देने का, उसके भाषण के ऊपर भाषण नहीं हो सकता। हमारे हमारे देश में तस्वीर लगी और मैंने कभी भी समाप्त नहीं हो सकता। मैं स्पष्टीकरण मांगूंगा, बहुत स्पेसिफिक बोलूंगा अध्यक्ष महोदय, बहुत स्पेसिफिक कहूंगा क्योंकि बहुत सारी बातें कही है संज्ञान में आनी चाहिए। तो अगर सर्टिफिकेट में तस्वीर नहीं लगी होती तो शायद सबसे पहले मैं खड़ा होकर के वैक्सीन लगवा लेता। क्या दुनिया के किसी देश ने वैक्सीन लगवाई? कोई स्पष्टीकरण नहीं। और जो तस्वीरें आई थी वैक्सीन में, शायद नेता सदन पूरी दुनिया ही लगा रही है, नेता सदन हमारे तस्वीर तो लॉकडाउन सिंह से नहीं मिले होंगे। एक गर्भवती मां जो नेपाल से चली और भारत में लॉकडाउन लग गया, वो भारत में नहीं आ पाई, और जब वो पीछे नेपाल में जाना चाहती थी तो वो नेपाल नहीं पहुंच पाई। गर्भवती थी, उसके बेटा पैदा हुआ, जहां पर बेटा पैदा हुआ सब लोगों ने मिलकर के नाम उसका लॉकडाउन कर दिया। अगर किसी ने उस परिवार की मदद की थी तो समाजवादी पार्टी ने जाकर के उस बेटे की मदद की थी। एक गर्भवती मां जो महाराष्ट्र से चलकर के आई थी, चलते 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 ललितपुर पहुंचे। आपने अध्यक्ष महोदय, आपने कहा इसका कोई जवाब नहीं, लंबी सूची में पलट मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी तक और संशोधन में ये सूची भी आ जाए कि किसी भी मजदूर की, मरने वालों की एक सरकार ने मदद नहीं की, अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादी सरकार ने मदद की। डॉक्टर मंजू सिवा जो बात कह रहे हैं चीनी मिलों को लेकर के कि अभी भुगतान हो गया है, अध्यक्ष महोदय
सरकार ये कहती है बजट भाषण होगा उसके ऊपर नहीं, अभी अध्यक्ष महोदय बात नहीं, अध्यक्ष जी भाषण भाषण में कर लीजिए, नहीं अध्यक्ष जी नेता प्रत्यक्ष चाहे तो भाषण में भी है। मानवर ये मैं जानना चाहता हूँ कि चीनी मिल मोहनपुर का बकाया है कि नहीं है, 1309 बकाया है, धौराला चीनी मिल का 4112 बकाया है, किनौनी चीनी मिल का बकाया 4911 है, मबाना चीनी मिल का बकाया है, नगरा मल का बकाया 3831 सकौती चीनी मिल का बकाया है 9852 मोरना का 68 करोड़ बताया है, पूरी मैं डॉक्टर मंजू साना का 300 करोड़ बताया है, स्पष्टीकरण नहीं है मानवर ये तो शाम में 295 करोड़ के ऊपर बोल रही है ना बताया है, खाना वो बजट भाषण में बताया है, और ये सारी बातें आपको कहने का अधिकार है, बजट बात बजट वाली बात इसको भी मैं जोड़ता हूँ, और जहाँ तक सवाल बेरोजगारी का है मैं ये कहना चाहता हूँ बजट नहीं बजट पर चर्चा होगी, कोई बजट के ऊपर इसको पूरा घोटाला नहीं हुआ, बजट पर चर्चा होगी, यूपीपीसीएल पेपर लीक, सबऑर्डिनेट पेपर लीक, ट्यूबवेल ऑपरेटर पेपर लीक, यूपी आरक्षी पर्चे गलत पढ़े, अधिकारी धांधली, रिजल्ट के बाद धांधली के आरोप, ये गलत एग्जाम पेपर लीक, यूपी की पेपर लीक, सहायता कोरोना वॉरियर बोलते हैं आप, कोरोना वॉरियर का 9000 कोरोना के समय काम किए उनको नौकरी से निकाल दिया गया, जो डॉक्टर उस समय अपनी जान में लेकर के इलाज करा रहे थे उनको निकाल दिया, ये सरकार आखिर केंद्र सरकार।